तो आज हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस तरह का जो है पोस्टर किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्लिक किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर, फिर उसके बाद हमने यहाँ से जाके क्लिक करना है यहाँ पर, और फिर इसको कर दिया हमने यहाँ से ब्लीच, और इसको भी कर दिया हमने यहाँ से ब्लीच। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सबसे पहले एक पेज पे रेड कलर भरना है, डिजाइन में जाना है, पेज कलर पे क्लिक करना है, यहाँ से कलर ले लें, इंसर्ट पर जाएंगे और यहाँ से शेप पर क्लिक कर लें, यहाँ से क्लिक करके फिर आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ से क्लिक करके हम इसको यहाँ से यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, और इसको देख लीजिए लेफ्ट राइट और एक जैसा स्पेस रहे तो यहाँ से स्पेसेस को एक जैसा ही रखना है चारों तरफ पर। उसके बाद जो है एक नीचे रेड सेक्शन में चाहिए आपको, उसके लिए तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक येलो सेक्शन में चाहिए तो येलो सब अप्लाई कर दें, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर दें, यहाँ से इसको नीचे ले आइए। नीचे लाने के बाद इसको हमने जो है यहाँ पर इस तरह से टच कर लेना है दोनों तरफ से स्पेसेस का जरा ख्याल रखते हुए, और इसके स्पेस को इस तरह से रख लेना है। तो ये देखिए हमने इस पर एक पूरा फॉर्मेट इसका क्रिएट कर दिया। अब आती है बात वर्ड आर्ट की, तो यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे वर्ड आर्ट के ऊपर, और वर्ड आर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से लेते हैं स्टडी सेंटर सेलेक्ट ऑल, और यहाँ से होम में चले जाएंगे, क्लिक करेंगे अपर केस पर, और यहाँ से लेंगे एरियल ब्लैक, और यहाँ से आपने क्लिक करना है और क्लिक करके यहाँ से फॉर्मेट में जाना है, एडवांस में जाना है, इसको एक्सपेंडेड कर देना है ताकि थोड़ा लेटेस्ट में और स्पेसिंग आ जाए। मजीद स्पेसिंग डालने के लिए एडवांस पे जाके एक्सपेंड में जाके यहाँ से आप उसको 3 पॉइंट तक एक्सपेंड करा सकते हैं जिससे लेटेस्ट में कुछ स्पेसिंग आ जाएगी। स्टडी सेंटर के बाद किसी का क्लिक करके एक डुप्लीकेट ले लेंगे, तो देखिए इसका कंट्रोल डी दबाया मैंने और यहाँ पे ले लेना है, यहाँ पे लिखना है रजिस्ट्रेशन ओपन, तो रजिस्ट्रेशन ओपन लिखना है, रजिस्ट्रेशन ओ पी ई एन ओपन, क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ से इसका जो टेक्स्ट स्टाइल है यहाँ पर हम कम कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से क्लिक कर दीजिए और यहाँ से हम चलते हैं यहाँ पे आ जाते हैं यहाँ पर की तरह। ठीक है, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं, होम में जाके इसको बढ़ा लेते हैं और उसको यहाँ से जाके यहाँ से कम कर लेते हैं, 36 से 40 कर देते हैं, इतना नजर आ रहा है और उसको बड़ा दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन ओपन भी लिखा गया। अब फैसिलिटीज के लिए एक बॉक्स बनाना है, इंसर्ट हो जाएंगे, टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको क्लिक करके क्लिक किया फैसिलिटीज पर, सेलेक्ट ऑल किया, फॉन्ट साइज को बढ़ा दिया, क्लिक करके अब ये बीच के जो स्पेसेस हैं उसको रिमूव करने के लिए आपको पहले इसका राइट बटन दबाना होगा, फिर फॉर्मेट टैब पर जाएंगे और फिर यहाँ से जाके इस पर आएंगे टेक्स्ट बॉक्स पर, यहाँ से इसको इनको तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, मार्जिन को 0000 कर दें, इससे भी काफी स्पेस कम हो जाएगा। और अब देखिए ये ठीक है, इस तरह से आ गया, क्लिक किया हमने यहाँ पे और तो हमने कोई भी कलर दिया और उसके बाद उस कलर को हमने ट्रैश लगा दिया। ठीक है, आउटलाइन पे क्लिक करके इसको यहाँ से ना ऑफलाइन कर दिया, ये देखिए हमारे सामने इस तरह से आ गया, तो बोल्ड करने के लिए यहाँ से क्लिक कर दिया। ठीक है, उसके बाद नीचे फुल्ली एसी वगैरह ये सब चीजें लिखनी है, तो इसको क्लिक करना है, कंट्रोल डी दबाना है, नीचे लेंगे। अब इस पर सिर्फ ये करना है कि हमें शेप को गायब कर देना है, तो शेप में जाके करेंगे नो फिल और आउटलाइन में करेंगे नो आउटलाइन, तो अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको आर्ट स्टाइल में जाके यहाँ से रेड कलर दे दें और यहाँ से क्लिक करके फुल्ली एसी ले लिया इसके अंदर फुल्ली एसी। ठीक है, फॉन्ट थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर लें, बोल्ड वर्जन ले लें फॉन्ट का, या थोड़ा सा मोटा फॉन्ट ले लें, ये वाला फॉन्ट फिर भी सही है, इसको लेफ्ट अलाइन कर दें। ठीक है, कंट्रोल डी दबाएंगे, डुप्लीकेट करेंगे, फिर नीचे रखेंगे, फिर टाइप करेंगे और इस तरह पूरा ये
बस बन जाएगा। अब इसको बनाने के लिए इंसर्ट में जाएंगे, वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से वर्ड आर्ट का बॉक्स लेंगे आप, और यहाँ से इस वर्ड आर्ट के बॉक्स में जाके तो यहाँ पे सेट करेंगे कितना बड़ा एरिया रिक्वायर्ड है इसके लिए, इतना बड़ा एरिया ले लेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको ऊपर वाला बॉक्स थोड़ा छोटा भी पड़ रहा है तो हमारे पास नीचे स्पेस है, तो इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं और यहाँ से इस बॉक्स की लेंथ को थोड़ा सा और बढ़ा के यहाँ पर ले आते हैं, और उसको यहाँ से क्लिक करके थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कर लेते हैं रूम अवेलेबल फॉर बॉयज, फ्लैग कॉल करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे येलो सेक्शन के ऊपर, और ये फर्क लिखा रहा है, और जिस जिसका फॉन्ट जैसा रखना है फिर वो आप यहाँ पर टाइप करके कर लेंगे। ठीक है, मैं टाइप कर लेंगे, फॉन्ट साइज कम करना तो यहाँ पर रख के होम में जाके फॉन्ट साइज को कम कर लेंगे, यहाँ पे थोड़ा छोटा टाइप हो जाएगा। नीचे वाले हिस्से में भी आपने इसी तरह से करना है, इंसर्ट में जाना है, एक वर्ड आर्ट का बॉक्स लेना है, और उस वर्ड आर्ट के बॉक्स को उसे बनाने के बाद क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद उसको उठा के यहाँ पे इस तरह से कट करके कंट्रोल ए कर देना है, और उसको होम में जाके लेफ्ट अलाइन करना है, फॉन्ट साइज रिड्यूस करके उसका रख लेना है 32 पे कर लेना है, और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है वो आप इसके यहाँ पे टाइप कर लेना है। इस तरीके से ये आपका बन जाएगा स्टडी सेंटर वाला पूरा साइन। ठीक है।